दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र भट्ट। कहानियाँ सुनाता हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगा एक सिपाही का संदेश। फौज में मौज है, 1000 रुपये रोज हैं, थोड़ा सा गम है इसके लिए रम है, जिंदगी थोड़ी रिस्की है इसके लिए तो विस्की है, खाने के बाद फ्रूट है, मरने के बाद सैल्यूट है, पहनने के लिए ड्रेस है, ड्रेस में जरूरी प्रेस है, सुबह सुबह पीटी है, वार्निंग के लिए सीटी है, चलने के लिए रूट है और पहनने के लिए डीएमएस बूट है, खाने के लिए रिफ्रेशमेंट है, गलती करो तो पनिशमेंट है, जीते जी टेंशन है और मरने के बाद पेंशन है। कहते हैं फौजी आधे पागल होते हैं, सही कहते हैं, पागल होना भी चाहिए, वरना किसमें कितना दम होगा जो -60 डिग्री सेल्सियस के ग्लेशियर में और +55 डिग्री सेल्सियस के रेगिस्तान में दुश्मन के आगे सीना चौड़ा करके खड़ा हो जाएगा। ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। जमीन की कीमत और फौज की हिम्मत कभी कम नहीं हो सकती। दिल तो आशिक तोड़ते हैं साहब, हम तो सरहद के रखवाले हैं, रिकॉर्ड तोड़ते हैं। अंजाम की फिक्र तो कायरों को होती है, हम तो आर्मी वाले हैं, जहां रिस्क होती है वहां हमारी एंट्री फिक्स होती है। जय जवान जय किसान। कैसे सोती होगी वो माँ जिसे पता है कि सीमा पर उसका बेटा खड़ा है, कैसे कमाता होगा वो हर पिता जिसका बेटा दुश्मन के आगे खड़ा है, कैसे चहकती होगी वो बहन जिसके भाई का इंतजार बंदूक की हर गोली करती हुई मालूम पड़ती है, कैसे करता होगा वो भाई हर काम जो उसके आने का इंतजार कर रहा हो, और कैसे जीती होगी वो सुहागिन जिसका सिंदूर कभी भी मिट सकता है, कैसे रहते होंगे वो हर दोस्त जिनका यार कभी भी तिरंगे में लिपटा आ सकता है। भारतीय होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि इस संदेश को, इस मैसेज को सभी भारतीय के साथ शेयर करें। जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में भी लिपट कर, सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। मेरा भारत महान, वंदे मातरम। इन्हीं शब्दों के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसी के साथ अपने साथी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।